छतरपुर प्रशासन ने भीमकुंड में डुबकी लगाने पर रोक लगा दी है। 2 जनवरी को इस रहस्यमय भीमकुंड में बड़ा हादसा हो गया था, जिसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल भीमकुंड बड़ा ही रहस्यमय है, जहां दूर दराज से लोग डुबकी लगाने के लिए आते हैं। यहाँ काफी भीड़ होती है, हर मकर संक्रांति को यहाँ मेला लगता है। दूर दराज से लोग भीमकुंड में खिचड़ी खाने और नहाने आते हैं, लेकिन इस बार भीमकुंड में डुबकी लगाने पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। प्रशासन ने धारा 144 के तहत कुंड में नहाने डुबकी लगाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है और कुंड के बगल में वैकल्पिक कुंड का निर्माण करवा दिया है, जहां लोग उस कुंड में डुबकी लगाकर स्नान कर सकते हैं। दरअसल ये रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि 2 जनवरी को इस रहस्यमय भीमकुंड में यूपी के कानपुर से आए युवकों की मौत हो गई थी, जिनके शव निकालने के लिए 5 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन शव नहीं मिले। जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा जो छतरपुर जिले में भीमकुंड एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है, उसके संबंध में एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। चूंकि भीमकुंड लोगों की श्रद्धा का केंद्र है, वहाँ लोग स्नान करने आते हैं और कई बार लोग वहाँ साबुन तेल आदि का प्रयोग करते हैं, जिससे वहाँ फिसलन होती है, उसकी गहराई बहुत अधिक है, तो लोगों की किसी भी प्रकार की क्षति ना हो, जनहानि ना हो, इस उद्देश्य से आदेश पारित किया गया है। चूँकि बाजू में ही एक वैकल्पिक कुंड का भी निर्माण किया जा चुका है, जिसमें कि भीमकुंड का ही जल रखा गया है, तो अगर किसी श्रद्धालु की श्रद्धा है कि उस भीमकुंड के जल से स्नान करना चाहता है, तो वैकल्पिक कुंड में कर सकता है। और पिछले दिनों एक जनहानि यहाँ पर हुई थी, इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करके जो मूल भीमकुंड है उसमें लोगों के नहाने और स्नान करने आदि को प्रतिबंधित किया गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।